रात्रि नगर के दुबे चौक मोहल्ले में मोटरसाइकिल के विवाद में दबंग सेठिया परिवार ने सराफा व्यापारी के घर पर थावा बोलते हुए ताबड़तोड़ बेतहाशा राउंड फायरिंग की, जिसके चलते अशोक अग्रवाल व मुकेश अग्रवाल को गोलियां लगने से घायल हो गए। घटना के कुछ ही मिनटों बाद पुलिस प्रशासन का एक बड़ा जत्था मोहल्ला दुबे चौक में पहुंचा। साहब हमें ये बताइए, बिहारी लाल के संरक्षण में 15 साल से सकता हो रहा है, उसको कैसे जाता था, क्या किया हम लोगों ने? भाई समझ धमकी दे रहा हूँ ये कैमरे लगे कभी चलेगी जब सारा और आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी, जिसमें पुलिस को कुछ आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है, वहीं कुछ भागने में भी सफल हो गए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को इलाज के लिए पहुंचाया, जहां हालात गंभीर होने पर उन्होंने अशोक अग्रवाल को झांसी से दिल्ली के लिए रवाना किया। मुकेश अग्रवाल का इलाज झांसी में किए जाने लगा। इसी बीच पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नेपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस छावनी में तब्दील हो गई। मऊरानीपुर से बचे आरोपियों की तलाश में दबिश देती रही। सोलह जून की सुबह नगर में सराफा व्यापार मंडल सहित संपूर्ण बाजार मंडल ने एकजुट होकर अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर जाम लगा दिया और नारेबाजी शुरू कर दी। एक तरफ जनता का आक्रोश, दूसरी तरफ पुलिस की सक्रियता के चलते 16 जून को आरोपी दीपेश को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जनता का आक्रोश इतना बढ़ गया कि आक्रोशित जनता ने पुलिस व क्षेत्रीय विधायक पर आरोप लगाते हुए आरोपियों को पूर्ण संरक्षण होने की वजह से मुर्दाबाद के नारे लगाए। बढ़ती भीड़ को देख सर्किल की पुलिस व उप जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव, पुलिस क्षेत्राधिकारी विनय कुमार सहित भारी पुलिस हालातों को सुधारने के लिए मौजूद रही। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को चेताया कि मृतक का दाह संस्कार तभी होगा जब आरोपियों के घर को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाएगा। अभूतपूर्व जंग का ऐलान कर डाला और मृतक के परिवार की महिलाएं विरोध में सड़क पर लेट गईं और इस कार्रवाई पर जिद करने लगी और प्रदर्शनकारियों की सूचना पर झांसी से आला अधिकारियों के आने की सूचना है। पुलिस दीपेश, विनोद, राकेश, मनीष, मनोज, कल्लू उर्फ संजीव सेठिया व कुरेचा नाका निवासी अखिलेश विश्वकर्मा व शुभम ताम्रकार निवासी अज्ञात के खिलाफ धारा 147, 48, 49, 307, 504 व 7 क्रिमिनल एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं झांसी से SOG की टीम भी जगह जगह दबिश दे रही है। घायल की मृत्यु हो जाने से अतिरिक्त धारा को संलग्न किया जाना निश्चित है। वहीं विधायक बिहारी लाल आर्य का कहना है कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। हम और हमारी भाजपा पार्टी दबंग अपराधियों का विरोध करती है और हम लोग न्याय के साथ हैं। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भरी मीणा का कहना है कि कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस निरंतर छापे मार रही है, शेष रह गए आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। मऊरानीपुर से संजीव तिवारी की रिपोर्ट। दुबे चौक थाना मऊरानीपुर पर 14/6/2021 को एक घटना हुई थी दो पक्षों के मध्य, जिसमें फायरिंग के कारण आज की डेट में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और एक पैर में गोली लगी है, एक अन्य व्यक्ति भी घायल है। इस संबंध में 8 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पूर्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया जा चुका है, कार्रवाई प्रचलित है। 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। जैसा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय ने बताया है, कठोर से कठोर कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी और हिस्ट्री सीट खोलने से लेकर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई से लेकर गुंडा एक्ट की कार्रवाई तथा अन्य जो भी विधिक कार्रवाई की जा सकती है वो सारी की जाएगी। अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। परिजनों में आक्रोश परिलक्षित हुआ था, आक्रोश के दृष्टिगत दुख के दृष्टिगत उनके द्वारा
जो भी प्रयास किया गया वो हम लोग समझते हैं, इसीलिए हम कठोर से कठोर कार्रवाई अभियुक्तों के खिलाफ करेंगे।